नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योगाश्रम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है योग का अर्थ एवं परिभाषा। तो सर्वप्रथम योग शब्द की उत्पत्ति और उसके अर्थ के बारे में हम जानेंगे। तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युजिर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सम्मिलित होना, एक रूप होना। अब एक रूप किस प्रकार होना, जैसे आत्मा का परमात्मा में एक रूप हो जाना। महर्षि पाणिनि ने योग शब्द की उत्पत्ति युजिर योगे, योगे मतलब जुड़ना, एक रूप हो जाना परमात्मा से, इस आत्मा का एक रूप हो जाना ही युजिर योगे। युजिर संयमने का अर्थ है वश में करना। वश में करना का अर्थ है जैसे हमारी इंद्रियों को हमें वश में करना है, उसी प्रकार यही योग बताया गया है। अगला है युजिर समाधो, यानी कि समाधि की स्थिति को प्राप्त करना योग है। उसी प्रकार महर्षि पतंजलि ने योग शब्द को समाधि के अर्थ में प्रयुक्त किया है। उसी प्रकार अगला जो है वह व्यास जी के अनुसार उन्होंने योग समाधि कहकर योग शब्द का अर्थ समाधि ही किया है। इस प्रकार योग जो शब्द है इसके अलग अलग व्युत्पत्ति, उसके अर्थ के बारे में हमने जाना। अब अगला जो भाग है योग की परिभाषा। योग की परिभाषा में पहली परिभाषा है महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के पहले पाद का दूसरा सूत्र। क्या है? योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। अगला है भगवद गीता से, भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक की यहाँ पे चर्चा है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ क्या होगा इसका कि हे धनंजय, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि होकर योग में स्थित हुए कर्तव्य कर्मों को कर। कर्तव्य कर्मों को कर समत्व ही योग है, समत्व ही योग कहलाता है। अब अगला जो श्लोक है वो है भगवद्गीता के दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक। बुद्धि युक्तो जहाँ तिहा उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात्योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ क्या होगा कि समबुद्धि युक्त पुरुष पाप पुण्य दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तो इसे समत्व योग में लग जा, समबुद्धि होकर कर्तव्य कर्मों को करते हुए कर्मों की कुशलता, कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय यही योग है। योग कर्मसु कौशलम, कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय ही योग है। इस प्रकार इसमें अगली परिभाषा है भगवद्गीता के 6वें अध्याय के 23वें श्लोक को योग की परिभाषा के रूप में लिया गया है कि तम विद्यात दुख संयोग वियोग योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्य योगो निर्विण्ण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है वही योग है, जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताते हुए धैर्य और उत्साह पूर्वक चित्त में निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इस प्रकार स निश्चयन योगतव्यो, निश्चय पूर्वक करना यही योग है। इस प्रकार हमने अलग अलग परिभाषाएं जानी। इसके साथ साथ कठोपनिषद में भी योग की परिभाषा बताई गई है, अन्य ग्रंथों में भी बताई गई है। कई सारे ऋषियों, महर्षियों और सन्यासियों ने भी योग की भिन्न भिन्न परिभाषा बताई है, परंतु यह मुख्य रूप से प्रचलन में ये परिभाषाएँ भगवद्गीता और योग दर्शन से ली जाती है। इसके बाद हम किसी अन्य भाग में आपको उन परिभाषाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान करेंगे। आज हमने योग शब्द की उत्पत्ति और परिभाषा के बारे में जाना। अगले भाग में हम आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति।